जो कि 5500 भी हमें एक बार में एक नहीं दो दो सरकारें दे रही हैं तारीफ के एवज में, सिर्फ तारीफ तारीफ ना करें और हमें वेतन मान दे करके हमें वेतन कर्मचारी घोषित करें। मेहनत हमने की और अधिकारियों को श्रेय मिला, प्रमोशन उनके हुए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है। जहां एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं अब इको गार्डन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भी हैं, वो भी प्रदर्शन करने के लिए यहां पहुंच चुकी हैं। और साफ तौर पर इनकी ये मांग है कि जब तक इनको राज्य कर्मचारी की नियुक्ति नहीं दी जाएगी तब तक ये यहां से नहीं हटेंगे। और बार बार ये लोग योगी सरकार से ये मांग कर रही हैं कि इन्हें राज्य कर्मचारी की नियुक्ति दी जाए। अब यहां पे जो प्रदर्शन करने आई हैं, उन्हीं से बात करेंगे, किस लिए आप लोग यहां पे आई हैं? हमारी ये मांगे हैं कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अभी तक हम लोग 5500 रुपये के मानदेय पर काम करते हैं, वो भी हमारा दो दो शिफ्ट में पैसा आता है, उसमें से 4500 रुपये हमें केंद्र सरकार देती है और 1000 रुपये हमें राज्य सरकार देती है, जो कि 5500 भी हमें एक बार में एक नहीं दो दो सरकारें दे रही हैं। तो क्या हम इस लायक भी नहीं है कि हमें एक ही सरकार कम से कम हमें वेतन मान दे? हम लोगों का यही एक मेन जो हमारा मुद्दा है वो यही है कि हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है और उसके हिसाब से हमारा मानदेय बहुत कम है। जब तक सरकार हमें वेतन मान नहीं देती, जब तक हम लोगों को 25000 रुपये मानदेय दिया जाए, और जब मानदेय हमें जब हमें हमारे इस मानदेय को हटा करके हमें राज्य कर्मचारी घोषित कर दिया जाए, और हम उन्हीं सरकार का समर्थन करेंगे जो हमारी मांगे मांगेगा। हम किसी भी पक्ष या विपक्ष के उसमें इस समय नहीं है। हम तो इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से इस समय ये आग्रह करने आए हैं और अपनी बात को रखने आए हैं। मुख्यमंत्री से आप आग्रह करने आई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री इको गार्डन में है, क्या उनसे भी आप लोग अपनी मांगों से संबंधित बात करेंगे? देखिए, हम इस समय कोई सत्ता या बेसत्ता या कोई पार्टीबाजी का हिसाब हम यहाँ नहीं करने आए हैं। सबसे पहली बात तो ये है, इस समय जो हमारी वर्तमान सरकार है तो इस समय हमारा हक और अधिकार तो उन्हीं से मांगने का बनता है। तो सर्वप्रथम तो हम उन्हीं से आग्रह करेंगे कि जब वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो कम से कम, और वो हमारा सम्मान भी करते हैं, हमारी आंगनबाड़ी बहनों को उन्होंने रीढ़ बताया है और हमारी तारीफ भी की है, तो हम उस चाहते हैं कि उस तारीफ के एवज में सिर्फ तारीफ तारीफ ना करें और हमें वेतन मान दे करके हमें वेतन कर्मचारी घोषित करें। कर्मचारियों का ये कहना है कि सरकार में उनकी मांगे नहीं मानी जा रही, लेकिन आप ये कह रही हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, क्या लगता है? देखिए, आज तक आंगनबाड़ी कर्मचारी की किसी ने तारीफ नहीं की। उन्होंने हम लोगों को कोरोना योद्धा भी बोला, लेकिन बहुत सी सरकारें आई, उन्होंने हमें ये भी बोला कि हमें ये मतलब हम हाँ हैं तो आंगनबाड़ी को हटा ही दें, ये योजना पसंद नहीं है, उनको हटा दिया जाए। लेकिन देखिए, सपा सरकार इससे पहले हमारे पास पहले मुलायम सिंह जी की आई, फिर उसके बाद में मायावती जी की आई, उसके बाद में फिर अखिलेश यादव जी की आई। अखिलेश यादव जी ने भी शिक्षा मित्रों के और सहायक अध्यापक बनाया, उनको वेतन दिया। लेकिन क्या हम उस समय पराए थे कि हमारे बारे में नहीं सोचना चाहिए था? हम लोगों को सिर्फ 800 ही रुपए दे करके उन्होंने हमें मतलब उन्नति दी, और वो हमारे इस समय सपनों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उन्नति देने की बात कर रहे हैं। तो कम से कम वो हमें उस समय 800 रुपए ना दे करके कुछ ना कुछ आशा तो देते, शायद हम उन लोगों की सरकार वापस ले आते। और आज हमसे यदि ये बात रखी जा रही है तो हमें पक्का वो लिख करके अपने उसमें दें कि हाँ हम ये देंगे, तो हम शायद सोच भी सकते हैं। हमें तो हम किसी भी पार्टी या अब भी हम कह रहे हैं कोई पक्ष या विपक्ष कम करने नहीं आए। मेरा ये कहना है कि चंद कदमों की दूरी पर ही अखिलेश यादव जी हैं, क्या आप उनसे अपनी शिकायत लेके जाएंगी और कहेंगी उनसे? देखिएगा, हम नहीं जाएंगे। हमारी नेता हैं, हमारी जो श्रीमती सावित्री चौधरी जी हैं, जो वो हमें मार्गदर्शित करेंगी, हम उसी का पालन करेंगे। हम अपनी तरफ से कोई आप मतलब इस तरह का वो नहीं करेंगे कि हम तारीफ से पेट नहीं भरता है। भैया योगी जी हमारी बहुत तारीफ करते हैं, यशोदा माँ कहते हैं, नारी सशक्तिकरण कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं, क्योंकि जब पूरा देश घरों में सोया हुआ था, डॉक्टर भी डर रहे थे, सारे अधिकारी घरों में थे, कोरोना में कोई घर से नहीं निकल रहा था, तब हर आंगनबाड़ी ने 3-3 महीने पूरी गर्मी में घर में घुस घुस के कोरोना के पेशेंटों के पास जाके हमने सर्वे किया और अपनी मेहनत करी। मेहनत हमने की और अधिकारियों को श्रेय मिला, प्रमोशन उनके हुए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ
तारीफ करके पेट नहीं भरता है, इन्हें राज्य कर्मचारी की नियुक्ति चाहिए, साथ ही साथ इनका मानदेय भी बढ़े। और ये तमाम जो इनकी मांगे हैं ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हैं, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं ये आशा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके लिए सोचते हैं, इनके लिए कार्य करते हैं, तो इनकी मांगों को मानने की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह हुई कि आखिर चुनाव से पहले क्या इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को इनका हक मिलता है या इनकी मांगों पर कोई मांग होती है या नहीं होती है। बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इनसाइडर, लखनऊ।